नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप उसे नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंच करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करें। ये कनिष्ठा उंगली आपकी और सूर्य के पहले पर्व से थोड़ा बहुत निकल ही गई है, बिल्कुल पहुँच गई है आपके यहाँ पर। तो यहाँ इस प्रकार की जब पूरी लंबी उंगली होती है, परंतु साथ ही साथ कुछ उंगली के अंदर कर्व कट आपकी उंगली के अंदर विराजमान है, यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूँ कि जल्दबाजी जीवन में करना, बुद्धि से जल्दबाजी से फैसला लेने से के कारण आपको जीवन में आपके आपकी जो बौद्धिक क्षमता पर कोई सवाल उठाए, तो इसलिए आप कोई जल्दबाजी किसी प्रकार की ना करें। वैसे कुल मिलाकर के आप सलाह से ही चलने वाले व्यक्ति लगते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ बुद्ध की उंगली की बात करें तो ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली के बाद ऊपर भी इस प्रकार के कट लगातार बने हुए हैं। जब जब इस प्रकार के कट लगे होते हैं व्यावहारिक स्थान पर, और सही बात पूछें तो एक तरीके से आप अपने धन को व्यर्थ में कहीं पर ना खर्च कर दें, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को अपनी ऊंचाइयों पर स्वयं किसी ना किसी कारणवश दाग लगा जाता है, ऐसा दर्शाती हुई आपकी ये सूर्य की उंगली है। तो बिल्कुल संभल करके चलना है, कोई आपके चरित्र पर लाक्षण ना लगा दे, इस बात से आपको संभल करके चलना है। अब बात आ गई आपकी यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के जा रही है, जो इस प्रकार को दर्शाती है कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन के अंदर आएगी तो उसमें आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा फल नहीं है। और अब बात करूँगा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ मैं कह सकता हूँ कि अपने विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, साथ ही साथ ये बीच के गैप सभी तीनों उंगलियों में विराजमान मिले हैं, यानी कि धन से संबंधित समस्याओं के लिए, यानी कि बौद्धिक से क्षमताओं के लिए आप अपने निर्णय पर बिल्कुल नियंत्रण रख करके फैसला लें। मैं बार बार आपको इस बात को समझा रहा हूँ और आपकी सारी उंगलियाँ भी इस बात को दर्शा रही हैं। आइए बात कर लेते हैं आपके बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध पर्वत, यहाँ टावर अच्छा था, वहाँ बुद्ध पर्वत पर किसी प्रकार के संकेत तो नहीं है, और यहाँ उठा और नीचे दबा हुआ पर्वत यानी कि दोनों तरह के फल को लेकर के विराजमान है, यानी कि जीवन के अंदर धन आने से पहले धन के इन्वेस्टमेंट के रास्ते लगातार बने रहते हैं, परंतु धन आता जरूर रहेगा, इस प्रकार को दर्शाते हुए ये आपकी यहाँ पर बुद्ध पर्वत है। अब बात करता हूँ आपके फल की। एक और फल बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली, और सूर्य की उंगली से निकलने वाली ये रेखाएँ इस प्रकार को दर्शाती हैं कि आप यदि जीवन के अंतर्गत आप निश्चित रूप से यदि मेहनत करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी लगने के काफ़ी अच्छे योग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यानी सरकार से मिले हुए उपक्रम यदि नौकरी ना करें तो सरकार से मिलने वाले टेंडर्स के द्वारा आप काफ़ी फल प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पर दर्शाने वाला आपका फल है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शनि पर्व की। शनि पर्व और शनि पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं जो इस प्रकार को दर्शा रही हैं कि आपके पास के बाद धन के आगमन निरंतर रूप से आपके जीवन के अंतर्गत अंत समय तक भी आपके पास बने रहेंगे। यहाँ एक रेखा है थोड़ी सी, उसको अगर देखें तो वो शुक्र वलय का सा रूप बनाती है। अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ टूटी 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 रेखा ये इस तरह से कुल मिला करके अगर पूरी घूमेंगी तो इस तरीके से एक तरह से लगता है जैसे टूटा हुआ शुक्र वलय, यानी कि इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका पैसा आपके चरित्र के कारण आपके पास ये शुक्र वलय बन गया है। आप अपने पैसे को खामोखा की चीज़ों पर या दूसरों पर फेंक करके बेकार बर्बाद ना हो जाए, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आपके बृहस्पति पर्व की बात कर लें। बृहस्पति पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व यहाँ पर सम है, जब सम पर्वत होता है बृहस्पति तो वो इस प्रकार को दर्शाता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आप मकान जैसी चीज़ निश्चित रूप से आप बना जाएंगे। तो यहाँ ये अपने आप में सुख सुविधाओं के लिए चिन्ह भी है। तो चलिए ये सब बात हो गई, अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी विवाह रेखा के बारे में। और विवाह रेखा आपकी मोटी होकर के पतली हो रही है, साथ ही साथ ये विवाह रेखा यहाँ पर इस तरीके से इतनी मोटी होकर के चली है और जाकर के सीधा सीधा एक मंगल रेखा ने भी यहाँ आकर के इसको इन्वॉल्वमेंट किया है।
ये मंगल रेखा ने आकर के यहाँ सूर्य पर्व पर भी इसका इन्वॉल्वमेंट किया और ऊपर से जाकर के एक रेखा सूर्य पर्वत से निकल करके बृहस्पति पर्वत को भी हृदय रेखा से जाकर जुड़ी। यानी कि कुल मिलाकर के ये बात निश्चित बात से हो गई। आपने मुझसे आपको पूछा है जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे शादी होगी क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे शादी होगी। आपको समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करिए, या आज का समाज इस बात को मतलब कबूल नहीं करता है, परिवार कबूल नहीं करेगा इस बात की चीज़ को, कह लीजिए या ये समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंतर्गत उससे विवाह कारण होने करने के कारण आपको घर से भागना पड़ जाए, बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, हो सकता है आपको मुकदमों का भी सामना करना पड़ जाए। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। वैवाहिक जीवन आपका जैसे भी है जिससे भी होगा 101% दुखी वैवाहिक जीवन आपका होगा। ये यहाँ पर दर्शाने वाली रेखाएं आपके पास में मिली हुई है। अब बात हो गई आपकी अलग अन्य अन्य बात अन्य रेखाओं के बारे में। तो चलिए यहाँ बात करता हूँ मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, साहस की किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा साहस की रेखा और ये मंगल पर्वत वाली रेखा जब जाकर के बुध पर्वत के साथ में मिल जाती है हृदय रेखा, तो ऐसा व्यक्ति अपना पैसा अपनों पर नहीं, अपने से जो दूर जिनका रिश्ता कोई होता भी नहीं है उन पर अपना पैसा पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। तो ये यहाँ पर दर्शाने वाला ये चिन्ह। अब बात करता हूँ मैं आपकी मस्तिष्क रेखा के बारे में। देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क रेखा के अंदर अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा यहाँ से लगेगा, फिर यहाँ टूट करके चलेगी, फिर नीचे से जुड़ के चलेगी। यानी कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपके साहस के कारण, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत साहस के कारण आपको जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी झगड़े झंझट का मुकदमे का सामना भी करना पड़े। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ित, यानी कुल मिला के साहस की कमी नहीं, कुछ ना कुछ घटनाक्रम जरूर होगा आपके साहस के कारण। तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाती हुई आपकी ये मस्तिष्क रेखा है। तो चलिए ये मैंने आपको बताया, अब मैं बताता हूँ आपको एक और रेखा के बारे में। ये देखिए यहाँ आपकी एक और मंगल और शुक्र पर्व के यहाँ से निकलती हुई ये रेखा है। जब शुक्र पर्व से निकल करके और बुध पर्वत तक ये रेखा जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपके पास केवल धन गया ही गया है, यहाँ पर महिला के द्वारा धन की प्राप्ति भी आपको नज़र आपके हाथ से नज़र आ रही है। तो चलिए महिला भी आपके वो सहयोग करेगी, आप ही नहीं केवल उस महिला पर, आपके साथ महिला भी वो आपको सहयोग करेगी। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से ये निकलने वाली नीचे से रेखा है, जब जब ये रेखा चंद्र पर्वत से इस प्रकार से निकल करके संबंध बनाती है तो व्यक्ति किसी ना किसी व्यसन का शिकार होता है। साथ ही साथ केतु स्थान से आकर के भी इन रेखाओं का संबंध, यानी ये इस बात को दर्शाने वाली रेखा है कि आप कुछ ना कुछ बुरी आदत का भी जीवन में शिकार होंगे। जैसे कई बार व्यक्ति देखने में आता है बहुत शराब पीता है, बहुत सिगरेट पीता है, बहुत ड्रिंक करता है, अय्याशी करता है, इस तरह के संकेत भी चंद्र पर्वत पर लगातार बने हुए हैं। तो ये अपने आप में आपकी ये प्रथम मणिबंध के साथ में ज्वाइंट होना यानी कि अच्छे सेहत के संकेत भी नहीं है। तो बहुत स्वास्थ्य का भी आपको यहाँ पर ध्यान करना होगा। अब आ गई आपके चंद्र पर्वत के बारे में, बहुत भागा दौड़ आपके साथ में है ही है, मैं सब बता ही चुका हूँ। तो अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा। ये आपकी भाग्य रेखा, जीवन में आपके पास में यदि धन के अच्छे आगमन हैं तो आप क्या ना कर सकेंगे। ये भाग्य रेखा आपके पास में अनुकूल रूप से पत्नी से भी सहयोग की रेखा, दूसरे धंधों से भी आपको सहयोग की रेखा, कुल मिलाकर के तीन तीन व्यापारों से यहाँ पर बनी हुई रेखाएं हैं। तो कुल मिलाकर के धन के आगमन, व्यापार के लिए आपने कहा क्या व्यापार करूँ, निश्चित रूप से व्यापारी रेखा ये दूर स्थानों से जुड़ करके निकल रही है। तो आपको पास निश्चित रूप से जॉब से काम आपका नहीं चलेगा, आप व्यापार करेंगे और दो से तीन व्यापार करेंगे या दो से तीन माध्यमों से आप धन कमाएंगे। तो बिजनेस का हाथ बिल्कुल पूरी तरीके से सॉलिड है, ये निश्चित रूप से दर्शाता है। तो आपने कहा लव और ऑरेंज, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपकी लव मैरिज ही होगी। हेल्थ के बारे में मैंने बता दिया, बहुत आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
अपने घर के बारे में पूछा आपने, मेरा घर कब होगा, निश्चित रूप से आपका घर जो होगा वो जीवन के यहाँ 47 वर्ष से लेकर के और 55 वर्ष के बीच में आपके पास मकान का बेहतरीन योग है, और इसकी नींव आप 47 वर्ष में रख देंगे और ये मकान निर्माण होकर के कट तैयार हो जाएगा, तो ये आपका मकान हो गया। मदर फादर के बारे में पूछा आपने, देखिए यहाँ बीच में संकेत जो आ रहे हैं वो यहाँ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। ये संकेत जब इस तरह के होते हैं तो व्यक्ति को किसी न किसी कारण माता पिता से व्यक्ति का थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहता है, या उनसे वो अपने कार्यों की वजह से पूरा संबंध नहीं बना पाता, या दूर स्थान पर रहने के कारण संबंध नहीं बनाता है। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ के अंतर्गत जो दर्शाई गई वो मैंने आपको बताया। अब आयु रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ आयु रेखा आपके हाथ की वर्तमान में 78-79 वर्ष की बनी हुई है, आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती है, तो ज़्यादा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आइए शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत पर जितनी रेखाएं इधर से आकर के जा रही हैं आयु रेखा की तरफ, उससे भी ज़्यादा रेखाएं खड़ी रेखा यहाँ आ रही हैं। जब जब इतनी ज़्यादा खड़ी रेखाएं होती हैं तो जीवन के अंदर सुख साधनों के लिए संघर्ष वर्तमान की स्थिति में बना हुआ है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस नहीं है। जो इस समय आपको अति शुक्र के लिए भी माना जाता है, जब ऐसी रेखाएं आती हैं तो सुख साधनों के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। संतान रेखा के लिए पत्नी के हाथ से देखा जाता है, यहाँ पर कोई विशेष रूप से चमक नहीं रही इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ, तो पत्नी के हाथ से संतान रेखा के बारे में जान सकते हैं। कुल मिलाकर के दो चीज़ें आपके हाथ के अंदर दिखाई दी, आपका अच्छा स्वास्थ्य ना होना और आपके जीवन में प्रेम संबंधों के कारण बदनामी, तो इनसे आपको संघर्ष करना है, इनसे आपको जीतना है। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी पूजा के अंदर प्रतिदिन रुद्राष्टकम आप जोड़ लीजिए, रुद्राष्टकम आप नित्य अपनी पूजा में जोड़ लीजिए, और हनुमान अष्टक अपनी पूजा में जोड़ लीजिए, और आपको जो सही निर्णय लेना है जिससे आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें, तो एक बेहतरीन पुखराज, श्रीलंकन पुखराज, आप बेहतरीन पुखराज इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए। जितनी जल्दी धारण करेंगे उतना आपके जीवन के अंदर समस्याओं से जल्दी आपको मुक्ति मिलेगी। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। नमस्कार।